हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द्रोणाचार्य आई एस यूट्यूब चैनल आई एम डॉक्टर दमन बैनीपाल प्रेजेंटिंग यू डेली करंट अफेयर्स कवरिंग 6 जनवरी 2022, इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारे यू प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है सो लेट्स बिगिन विद दैट तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले न्यूज़ आर्टिकल से तो हर साल की तरह इस बार भी चिली का लेक पे बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स ने विज़िट किया है जिसको लेकर वहाँ पे एक वाटर बर्ड स्टेटस सर्वे कंडक्ट किया गया एंड जिसने ये बताया कि इस वक्त मोर देन टेन लैक बर्ड्स का लेक पे पहुँच चुकी हैं इस न्यूज़ आर्टिकल में मेनली ये जो वाटर बर्ड स्टेटस सर्वे करवाया गया है उसके जो की पॉइंट्स हैं जो हाईलाइट्स हैं उन्हें यहाँ पे स्टेट किया गया है तो सबसे पहले इस पूरे टॉपिक से जो हमारे बेसिक्स हमें क्लियर होने चाहिए क्योंकि ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है एंड स्पेशली प्रिलम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो चिलिका लेक रीजन है ये सारा का सारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है तो पहले कुछ बेसिक्स को कवर करते हैं एंड देन वी विल सी कि इस न्यूज़ आर्टिकल के अंदर क्या बताया गया है तो सबसे पहले चिलिका लेक के बारे में हमें ये पता होना चाहिए दैट चिली का लेक इज़ वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून चिली का लेक दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है ना सबसे पहले ब्रैकिश वाटर क्या होता है देखिए हम वाटर को तीन कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं हमारे पास फ्रेश वाटर आता है ब्रैकिश वाटर आता है एंड देन कम्स सेलाइन वाटर ये जो डिवीजन की जाती है इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ डिजोल्व सॉल्ट वाटर के अंदर कितने सॉल्ट डिजोल्व हैं अगर वाटर में जो सॉल्ट डिजोल्ड हैं वो लेस देन फाइव पी पी टी हैं फाइव पी पी टी पी पी टी मतलब पार्ट्स पर थाउजेंड तो अगर मैं थाउजेंड पार्ट्स करती हूँ वाटर के तो उसमें से लेस देन फाइव पार्ट्स कौन कवर कर रहे हैं सॉल्ट विच आर डिज़ोल्व इन द वाटर तो अगर वाटर के अंदर लेस देन फाइव पी पी टी सॉल्ट्स डिजोल्व हैं तो ऐसे वाटर को हम कहते हैं फ्रेश वाटर राइट जिसे हम कंज्यूम करते हैं विच इज विच कम्स अंडर दोर्टेबल कैटेगरी लेकिन अगर यही डिजोल्व कॉन्टेंट्स मोर देन थर्टी फाइव पी पी टी हो जाए तो उस वाटर को हम कहते हैं दैट दिस इज सेलाइन वाटर क्योंकि इसने किस क्रॉस कर दिया ना दिस सॉल्ट कॉन्टेंट इज मोर देन थर्टी फाइव पी पी टी जो हमारा ओशन वाटर होता है जो समुंदर का पानी होता है जिसे हम सेलाइन वाटर कहते हैं वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसकी पीपीटी उसके अंदर जो सॉल्स हैं वो मोर देन थर्टी फाइव पी पी होते हैं इन दोनों के बीच में मतलब एक एंड हो गया फ्रेश वाटर जहाँ पे सॉल्स बहुत कम है फाइव पीपीटी से कम है और दूसरा एंड हो गया सेलाइन वाटर जहाँ पे सॉल्स बहुत ज़्यादा है थर्टी फाइव पी से ज़्यादा है इन दोनों के बीच में आता है ब्रैकिश वाटर ब्रैकिश वाटर जिसमें जो डिजॉल्व सॉल्ट हैं वो 5 टू 35 फाइव के बीच में वेरी करते हैं तो मतलब ये भी एक तरीके का सलाइन वाटर है लेकिन जितना ओशियन वाटर सलाइन होता है उससे कम फ्रेश वाटर से ज्यादा इसके अंदर सॉल्ट प्रेजेंट हैं लेकिन ओशियन वाटर के कंपैरिजन में इसमें कम सॉल्ट प्रेजेंट हैं तो फ्रेश और सेलाइन के बीच की जो कैटेगरी है 5 टू 35 फाइव पीपीटी के बीच में जो वाटर रेंज करता है ऐसे वाटर्स को हम कहते हैं ब्रैकिश वाटर, ठीक है जी फिर नेक्स्ट टर्म यहां पे आती है लगून ना लगून क्या है लगून एक शैलो वाटर बॉडी को कहा जाता है विच इज़ सेपरेटेड फ्राम अ लार्जर वाटर बॉडी एक ऐसी वाटर बॉडी जो कि बड़ी सी वाटर बॉडी से सेपरेटेड है इसीलिए वो क्या हो गई है इट्स अ शैलो वॉटर बॉडी विच इज सेपरेटेड फ्रॉम अ लार्जर वाटर बॉडी एंड अब इनको सेपरेट कुछ तो कर रहा होगा सेपरेट तो ये सेपरेट यूजली कोई नैरो लैंड फॉर्म फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये देखें यहाँ पे ये है हमारा बे ऑफ बेंगाल ये पूरा का पूरा एरिया दिस इज आर बे ऑफ बेंगाल लेकिन यहाँ पे लाई कर रही है हमारी चिलीका लेक नाउ ये सेपरेटेड है सेपरेटेड कैसे यहाँ पे कोई ऐसा नैरो लैंडफॉर्म होगा जिसकी वजह से चिलीका लेक का जो वाटर है इट इज सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ दी वाटर बॉडी नाउ ये जो नैरो लैंडफॉर्म है ये रीफ की फॉर्म में हो सकता है हमारे ओशंस में आपको कोरल रीफ्स मिलती हैं कोरल पॉलिप्स लगातार अपने शेल्स बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि रीफ्स क्रिएट कर देते हैं

सो बेसिकली सिंपल शब्दों में याद रखेंगे लगून इज अ शैलो वॉटर बॉडी विच इज सेपरेटेड फ्रॉम अ लार्जर वाटर बॉडी बाय अ नैरो लैंड फॉर्म और वो नैरो लैंड फॉर्म कुछ भी हो सकता है ना इसकी वजह से जो वाटर है वो रेडिली मिक्स नहीं हो पाता यहाँ का जो वाटर है ये अपनी एक सेपरेट प्रॉपर्टीज को डेवलप करना शुरू कर देता है राइट right? यहाँ पे एक और चीज़ हमें नोट करनी है हमारा जो पहला पॉइंट है वो ये कह रहा है दैट चिरिका लेक इज़ वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून ठीक है तो मतलब लार्जेस्ट कौन है अगर चिलिका लेक सेकेंड लार्जेस्ट है और हमें ये बात याद है तो मुझे ये लगता है कि आपको ये भी याद होना चाहिए कि हमारी लार्जेस्ट वाटर बॉडी लगून कौन सी है तो दैट इज़ दी न्यू कैलिडोनियन बैरियर रीफ वेरी 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 इंपॉर्टेंट द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन द वर्ल्ड इज़ द न्यू कैलिडोनियन बैरियर रीफ अब यहाँ से लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है आपको पता होना चाहिए कि ये बैरियर रीफ कहाँ पे है तो सबसे पहले आज ही आप अपनी एटलस ओपन करेंगे और आपकी एटलस में ओशेनिया रीजन को रिप्रेजेंट किया जाता है स्पेशली अगर आप ऑक्सफोर्ड एटलस को रेफ़र करते हैं तो वहाँ पे आपको ओशेनिया का पार्ट मिलेगा इस ओशेनिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया और जो हमारा पैसिफिक ओशन है उसे शो किया जाता है बिकॉज़ पैसिफिक ओशन में खूब सारे आइलैंड्स हैं तो उन सारे आइलैंड्स को ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलाकर एक टर्म बोल दी जाती है ओशानिया ठीक है तो सबसे पहले कौन सा मैप ओपन करेंगे आप ओशनिया का मैप ओपन करेंगे वहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया तो मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया के बाद ऑस्ट्रेलिया के आसपास बहुत सारे आइलैंड्स हैं कहाँ पे ये सारे के सारे आइलैंड्स आपको साउथ पैसिफिक ओशन में देखने के लिए मिलेंगे न साउथ पैसिफिक ओशन मतलब हमारा जो ओशन है पैसिफिक ओशन है जब उसके बीच में से इक्वेटर पास कर जाएगी तो जो नॉर्थ में होगा उसे आप कहेंगे नॉर्थ पैसिफिक ओशन जो कि साउथ ऑफ इक्वेटर में होगा उसे हम कहेंगे साउथ पैसिफिक ओशन तो साउथ पैसिफिक ओशन में ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में आपको एक छोटा सा आइलैंड मिलेगा विच इज न्यू कैलिडोनिया ये न्यूज़ में भी था पिछले साल ये काफ़ी न्यूज़ में था यहाँ पे रेफरेंडम करवाया गया था बिकॉज दिस इज स्टिल अंडर फ्रांस एंड चोज टू बी विद फ्रांस इवन इन 2021 तो यहां पे कहा गया कि क्या न्यू कैलिडोनिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनना चाहता है या फिर कि अभी भी फ्रांस के अंडर रहना चाहता है सो so सिलेक्टेड कि हमें फ्रांस के अंडर रहना है राइट right? तो ये न्यूज में था तो वैसे भी न्यू इज इंपॉर्टेंट फॉर अस तो यू विल मार्क दिस आइलैंड यू विल सी कि ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में कुछ इस तरीके का आपको लीनियर आइलैंड मिलेगा विच इज कॉल्ड एज न्यू कैलिडोनिया और इस न्यू कैलिडोनिया में यहां पे हमारे पास दुनिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून देखने के लिए मिलता है तो ये बात याद रखेंगे नौ वर्ल्ड लेवल पे फर्स्ट आ गया न्यू कैलिडोनिया बैरियर रीफ सेकेंड आ गया हमारा चिली लेक लेकिन अगर हम एशिया की बात करें तो चिली का लेक इज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून ये बात चिलीका लेक को लेकर आपको याद होनी चाहिए नेक्स्ट जो चीज चिलीका लेक के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है वो ये है दैट इट इज एन इंपॉर्टेंट रामसर साइट ठीक है जी रामसर कन्वेंशन के अंदर दिस इज एन रामसर साइट और इसमें भी यू नीड टू नो कि चिलीका लेक इंडिया में वो पहली ऐसा वेटलैंड था जिसे रामसर कन्वेंशन के अंदर रिकगनाइज किया गया फ्राम इंडिया तो इंडिया से वो ऐसा वेटलैंड uh, जो कि इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस रखता है और रामसर कन्वेंशन के अंदर जिसको मैंशन किया गया दैट इज़ चिली का लेक और ये नाइनटीन एटी वन में इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था विच इज़ द फर्स्ट साइट टू बी डिक्लेयर अंडर रामसर कन्वेंशन फ्रॉम इंडिया और यहीं पर आपका होमवर्क भी है आप इन्वायरमेंट पढ़ते हैं रामसर साइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट तो एक तो मैंने आपको बता दी कि चिली का लेक हमारी पहली इंडिया की ऐसी रामसर साइट है जिसको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए डेजिग्नेट किया गया अंडर रामसर कन्वेंशन आपने कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताना है इंडिया की और कितनी साइट्स हैं जो कि रामसर कन्वेंशन के अंदर रामसर साइट को डिक्लेयर किया गया है और उनके नाम सो आई बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर आंसर्स इन द कॉमेंट बॉक्स यू मी टेल मी हाउ मेनी टोटल साइट्स फ्रॉम इंडिया आर लिस्टेड अंडर रामसर साइट्स और चिरिका लेक के अलावा बाकी कौन सी हैं सो दिस इज़ योर यू नो एक्सरसाइज यहाँ पे एक और चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है दैट इज मट्रेक्स रिकॉर्ड ना रामसर कन्वेंशन के अंडर एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है जिसके अंदर उन वेटलैंड्स uh, को लिस्ट किया जाता है विच आर राइट नाउ फेसिंग सम इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस जो कि इस वक्त इकोलॉजिकल थ्रेट में है उनको यहाँ पे लिस्ट किया जाता है तो चिली का लेक को भी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर लिस्ट किया गया था इन 1993, 1993 के अंदर चिली का लेक फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ सिल्टेशन, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सिल्ट और सेडिमेंटेशन की प्रॉब्लम हो रही थी जिसकी वजह से जो चिलेका लेक का जो माउथ था वो चोकअप हो रहा था जिसके चलते इसको इस इम्पॉर्टेंस देने के लिए कि वी नीड टू यू नो मेक सम मेजर्स कि ये जो साइट है ये इकोलॉजिकली बैलेंस रहे इसको रामसर कन्वेंशन के अंदर मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंदर रजिस्टर किया गया था हावे इसे 1993 के अंदर रजिस्टर किया गया लेकिन 2002 में इसे इस मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से बाहर निकाला गया क्यों क्योंकि जो चिलीका डेवलपमेंट अथॉरिटी थी उन्होंने इतना अच्छा काम किया ऐसे रिहेबिलिटेशन एफर्ट्स किए कि चिलिका लेक के अंदर ये जो सिल्टेशन और सेडिमेंटेशन की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से यहाँ पे कंसर्न आया था उसे इन्होंने सॉल्व किया जिसकी वजह से इसे 2002 में मोंट्रिक्स रिकॉर्ड से निकाला गया रैद चिलीका डेवलपमेंट अथॉरिटी के इन एफर्ट्स को देखकर इसे रामसर वेटलैंड कंजर्वेशन अवार्ड भी दिया गया तो याद रखिएगा ये इंडिया की वो साइट है जो कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में गई लेकिन रिहेबिटेशन एफर्ट्स के बाद इसे उस साइट से निकाला गया एंड रादर हमारे चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी को रामसर वेटलैंड कंजर्वेशन अवार्ड भी मिला अपने मेजर्स के लिए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू चिलिका लेक चिलिका लेक का न्यूज़ में रहने का बड़ा कारण ये है कि अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो चिलिका लेक इज़ दी लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड यहाँ पे बहुत सारी माइग्रेटरी वर्ड्स विंटर में पहुँचती हैं तो इसीलिए ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक इम्पॉर्टेंट विंटरिंग ग्राउंड है जिसके चलते यहाँ पे वाटर बर्ड स्टेटस सर्वे 2022 कंडक्ट करवाया गया जिसके अंदर कितनी वाटर बर्ड्स पहुँची कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं पिछले साल के कंपैरिजन में इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई इन सब को यहाँ पे देखा गया तो इम्पोर्टेंट क्या हो गया हमारे लिए यहाँ पे वाटर बर्ड स्टेटस सर्वे याद रखेंगे ये जो चिलिका में वाटर बर्ड स्टेटस सर्वे करवाया गया सबसे पहले तो ये 2022 के लिए करवाया गया और इस सर्वे को ज्वाइंटली इन तीन बॉडीज़ ने ऑर्गेनाइज किया उड़ीसा स्टेट वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इन तीनों ने मिलकर चिलिका के अंदर ये वाटर बर्ड स्टेटस सर्वे जॉइंटली कंडक्ट किया जिस सर्वे से ये पता चला कि तकरीबन हंड्रेड एंड सेवन स्पीशीज़ वाटर बर्ड्स की वहाँ पे पहुँची हैं थर्ट सेवेंटी सिक्स जो स्पीशीज़ हैं वो वेटलैंड डिपेंडेंट ही स्पीशीज़ हैं जो कि पूरा का पूरा ये जो लगून है उसे कवर कर रही हैं इस पूरे के पूरे सेंसर्स के लिए चिलिका लेक को ट्वेंटी वन सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया एंड इनमें से सब इम्पॉर्टेंट एरिया जो निकलता है दैट इज़ योर नलबन्ना बर्ड सेंचुरी अगर हम वैसे भी चिलिका की बात करें तो नलबन्ना बर्ड सेंचुरी में सबसे ज़्यादा जो बर्ड्स हैं वो कॉन्ग्रीगेट होती हैं तो यहाँ पे ये यह देखा गया कि जो नंबर है वो स्लाइटली डिक्रीज़ हुआ है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर ये हमने लास्ट वीक भी इस इश्यू इस को डिस्कस किया था कि चिलिका लेक के अंदर जो बर्ड्स पहुँची हैं वो पिछले साल के कंपैरिजन में कम पहुँची हैं उसका बड़ा रीज़न क्या था जो वहाँ पे हैवी रेनफॉल हुई है उसकी वजह से चिलिका लेक वहाँ पे जो लेक्स हैं उनका वाटर लेवल इंक्रीज हो गया था एंड वाटर लेवल इनक्रीज़ होने की वजह से ये जो वाटर बर्ड्स हैं इनको ज़्यादा डीप वाटर नहीं चाहिए इनको शैलो वाटर चाहिए लेकिन बहुत बारिश होने की वजह से जो लेक्स थीं वो डीप हुई और साथ ही में जो पहले हमने लास्ट वीक डिस्किस भी किया था रिपोर्ट्स ने ये भी बताया कि रेनफॉल के अलावा यहाँ पर डी सिल्टिंग की गई जो लेक्स हैं लेक्स में से जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं उनको रिमूव किया गया जिसकी वजह से लेक्स की डेप्थ बढ़ गई और साथ में बारिश हो गई और बारिश की वजह से टोटल जो वाटर अक्यूमलेट हुआ वो इंक्रीज हो गया तो हाई लेवल वाटर का था तो कुछ बर्ड्स जो कि ज़्यादा स्विम नहीं कर सकती जो कि वो यहाँ पर नहीं पहुँची हैं और वो कहाँ गई वो गई आस के एरिया के अंदर जहाँ पर कल्टिवेटेड फील्ड्स थी अब जो कल्टिवेटेड फील्ड्स हैं उनको पानी मिलेगा तो पानी मिलेगा तो शैलो वाटर और साथ में है ना जमीन पे तो वहाँ पे पहुँच गई वो तो एडजॉइनिंग ज्वाइनिंग कल्टिवेटेड एरिया में ज़्यादा हमें वो बर्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन मिली एज कम्पेयर कि वो आकर सिर्फ और सिर्फ नल बन्ना बर्ड सेंचुरी के पास अक्यूमुलेट होती नौ नल बन्ना बर्ड सेंचुरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये बेसिकली चिलीका लगून के अंदर बिल्कुल एक नलबन्ना आइलैंड है ये वहाँ पे सिचुएटेड है तो बिल्कुल कोर जो है चिलिका की वहाँ पे आपको मिलेगा नलबन्ना आइलैंड और उस नलबन्ना आइलैंड पे नलबन्ना बर्ड सेंचुरी इस नलबन्ना आइलैंड को फॉरेस्ट ऑफ रीड्स भी कहते हैं एंड इसे बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था नाइनटीन में ना इस नलबना आइलैंड की खास बात ये है जब मानसून आते हैं और रेनफॉल होती है ये डिसअपेयर हो जाता है पानी भर जाता है और वाटर के इनन्डेशन की वजह से ये आइलैंड डिसअपेयर हो जाता है लेकिन पोस्ट मानसून जब बारिश कम हो जाती है दिस आइलैंड री इमर्ज अगैन राइट तो वैसे भी चिलिका की बात करें तो नलबन्ना और मंगल जोड़ी ये मंगल जोड़ी जो एरिया है वो चिलिका लेक के बैंक्स पे है ये दो बड़े ऐसे मेजर साइट्स हैं जहाँ पे जो बर्ड्स हैं वो कॉन्ग्रीट होती हैं ये जो ज़्यादातर माइग्रेटरी बर्ड्स हमारे पास पहुँचती हैं ये जो नदरन एरिया है जहाँ पे बहुत ही फ्रीजिंग कंडीशन सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं बर्फ ही बर्फ जहाँ पे फैल चुकी होती है इस्पेशली जो साइबेरिया वाला एरिया है चाइना जापान जो नदरन हेमिसफेयर के नॉर्थ में जो कंट्रीज़ हैं आराल सी वाला एरिया बायकाल लेक कैस्पियन सी इन सब के नॉर्थ में जहाँ पे एक्सट्रीम फ्रीजिंग कंडीशंस हैं वहाँ से ये बर्ड्स साउथ की तरफ आती हैं जहाँ पे कंपैरेटिवली ट्परेचर हायर होता है तो ये जो माइग्रेटरी इनका ट्रेंड है इसकी वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे पहुँचते हैं जिनमें से फेमस हैं हेडेड गीज बहुत फेमस है बहुत कॉमनली पहुँचता है ग्रेटर फ्लेमिंगोज़ यहाँ पे पहुँचते हैं और इस साल डिकेड uh, लॉन्ग में से ग्रेटर फ्लमिंगोज़ का जो नंबर है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है बिकॉज अ लॉट ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट्स व बी यू नो कंडक्टेड बाई उड़ीसा एज वेल एज बाई आंध्र प्रदेश ताकि जो ग्रेटर फ्लेमिंगोज़ हैं उनका नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो तो वो भी इस रिपोर्ट में मेंशन था साथ में हिरोंस, ब्लैक टेल्ड गॉटविट्स ये सारी मेजर स्पीशीज़ हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं और इस साल का स्पेशल मेंशन ये था कि एक अनकॉमन बर्ड जिसे हम कहते हैं मंगोलियन गुल वो भी इस साल हमारे जो चिलीका लेक है वहाँ पे पहुँची है तो मंगोलियन गुल को भी मेंशन किया गया है कि वो बहुत कॉमनली यहाँ नहीं आती बट इस साल मंगोलियन गुल ने भी चिलिका लेक पे विजिट किया है तो जो पॉइंट्स चिलिका लेक को अपने एटलिस्ट में मार्क कीजिएगा न्यू कैलडोनियन रीफ को मार्क कीजिएगा एंड ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे फिल्म पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली बिकॉज दिस प्लेस इज इन न्यूज़ आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ म्यांमार से है म्यांमार जो कि साउथ ईस्ट एशिया में लाइक करता है और साउथ ईस्ट एशिया का रीजनल ब्लॉक जिसे हम कहते हैं आसियान आसियान की चेयर इस वक्त होल्ड कर रहा है कम्बोडिया और कम्बोडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है कि म्यांमार राइट नाउ इज़ हैविंग ऑल दोज फैक्टर्स ऑल दोज इंग्रेडिएंट्स दैट कैन लीड टू अ सिविल वॉर तो जो पॉलिटिकल क्राइसिस म्यन्मार फेस कर रहा है सुधी आसियान इस वक्त अपने कंसर्न्स यहाँ पे शो कर रहा है दैट इट इज पॉसिबल दैट दिस पोलिटिकल क्राइसिस में टर्न इन टू सिविल वॉर तो पहले लोकेशन बेसिस पे जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं उन्हें क्लियर करते हैं एंड उसके बाद एक बैकग्राउंड समझते हैं कि म्यांमार के अंदर ये पोलिटिकल क्राइसिस कैसे आया न जब भी हम आसियान कहते हैं आसियान कंट्री आसियान इज बेसिकली एसोशिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस तो एशिया को बहुत सारे ग्रुपिंग्स में हम डिवाइड कर सकते हैं लाइक साउथ एशिया सेंट्रल एशिया ईस्ट एशिया वेस्ट एशिया सिमिलरली यहाँ पर आता है साउथ ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के इस रीजनल ब्लॉक को बोला जाता है आसियान एसोसिएशन ऑफ़ साउथ ईस्ट एशियन नेशन सो आसियान के टेन मेंबर्स हैं दे आर टेन मेंबर कंट्रीज ऑफ आसियान आपने अपनी एटलस में इन कंट्रीज़ को आज ही देखना है और इन्हें लर्न करना है इसी वीडियो में ये टेन कंट्रीज कौन से हैं सबसे पहले म्यांमार देन थाईलैंड म्यांमार थाईलैंड ठीक है जी म्यांमार थाईलैंड के बाद वी हैव लाउस कम्बोडिया म्यांमार थाईलैंड लाउस कंबोडिया फॉलोड बाय वियतनाम फॉलोड बाय वियतनाम तो ये ग्रुप देखे यहां पे यहां पे जो ये जो ग्रुप है आपको दिखेगा म्यांमार थाईलैंड लाओस कंबोडिया वेतनाम रिपीट कीजिए मेरे साथ म्यांमार थाईलैंड लाओस कंबोडिया वेतनाम ठीक है जी सबसे पहले आपने इस ग्रुप को याद करना है म्यांमार थाईलैंड लाओस कंबोडिया वियतनाम आगे अगर हम बढ़े तो आपको भी दिखेगा थाईलैंड की बिल्कुल टेल पे द इज़ अ कंट्री कॉल्ड एज मलेशिया ना बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि मलेशिया यहाँ पे दो एरियाज में सिचुएटेड है सबसे पहले तो थाईलैंड की टेल पर आपको मलेशिया मिलेगा इसे मलायन पेनसुला भी बोल देते हैं दिस रीजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज मलायन पेनसुला पेनिनसुला क्यों बोलते हैं पेनन्सुला इज ए लैंड मार्स विच इज सराउंडेड बाय वॉटर ऑन इट्स थ्री साइड एक ऐसा लैंड मार्स जिसकी तीन तरफ आपको वॉटर मिले उसे कहा जाता है पेनन्सुला तो अगर आप ये देखें तो जो ये वाला मलेशिया है इसके तीनों तरफ आपको वाटर बॉडी मिलेगी इसी लिए ये इस पार्ट को हम कह सकते हैं मलायन पेनसुला क्लियर नेक्स्ट अगर आप देखें सो देर इज दिस आइलैंड ये आइलैंड आपको मिलेगा यहाँ पे इस आइलैंड का नाम है बोर्नियो द नेम ऑफ दिस आइलैंड इज बोर्नियो आई एम सेइंग बोर्नियो तो ये इसकी जियोग्राफिकल आइडेंटिटी है कि इस आइलैंड का नाम बोर्नियो है ठीक है जी लेकिन ये जो बोर्नियो आइलैंड है ये तीन कंट्रीज के अंदर डिवाइडेड है कैसे बहुत ध्यान से देखेंगे सबसे पहले अगर आप बोर्नियो के सदरन पार्ट को देखें आप क्लियरली कलर स्कीम को फॉलो कीजिए यहाँ पे तो इसका जो सदरन एरिया है वो किसके पास है इट बिलोंग्स टू इंडोनेशिया तो बोर्निया का बड़ा पार्ट किसके पास है इंडोनेशिया ठीक है जी इंडोनेशिया के बाद अगर आप ये रेड रीजन देखें यहाँ पे दिस वन इज़ मलेशिया ये है हमारा यहाँ पे मलेशिया तो इसीलिए मैंने कहा था कि मलेशिया दो एरियाज पे है एक तो हो गया हमारा मलायन पेनेसुला और दूसरा मलेशिया का पार्ट कहाँ पे लाई करता है इट लाइज ऑन बोर्नियो आइलैंड ठीक है जी और तीसरा कंट्री आपको यहाँ पे मिलेगा विच इज ब्रूने यू कैन सी यहाँ पे कंट्री है विच इज ब्रूने तो एक आइलैंड तीन कंट्रीज के अंदर डिवाइडेड है इंडोनेशिया मलेशिया एंड ब्रूने ठीक है जी तो ये चीज़ याद रखेंगे मलेशिया को लेकर कमिंग बैक टू आर आसियान कंट्रीज पहले आपने याद किया म्यांमार थाईलैंड लाओस कंबोडिया वियतनाम, देन मलेशिया नाउ जो भी मलेशिया घूमने जाता है वो साथ में सिंगापुर होकर आता है मलेशिया सिंगापुर ठीक है जी रिपीट करेंगे मेरे साथ म्यांमार थाईलैंड लाओस कंबोडिया वियतनाम, मलेशिया सिंगापुर ठीक है जी

इन्हें मार्क कीजिएगा और इस सीक्वेंस को रिपीट कीजिएगा बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो अब न्यूज़ पे आते हैं तो इस बार इस साल के लिए आसियान की चेयर किसके पास है कंबोडिया इज़ होल्डिंग द चेयर ऑफ आसियान एंड कंबोडिया से कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर ने म्यन्मार के बारे में ये कहा है कि वहां पे इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है इट इज़ इनवाइटिंग अ सिविल वॉर तो बेसिकली म्यांमार में चल क्या रहा है सो म्यन्मार रिसेंटली न्यूज में था स्पेशली 2021 फरवरी जो अर्ली मंथ थे क्योंकि म्यन्मार में मिलिट्री कु हुआ ना ये पहली बार नहीं था ऐसा कि म्यांमार में मिलिट्री कु हो दिस वॉज द थर्ड टाइम इन द नेशंस हिस्ट्री सिंस इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिशर्स इन नाइनटीन तब से लेकर अब तक तीन बार वहाँ पर मिलिट्री कू हो चुका है नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड अ बिट बैकग्राउंड ऑफ इट तो इंडिया के बाद 1948 में म्यांमार भी ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस गेन करता है लेकिन वहाँ पे डेमोक्रेसी आने की बजाय 1962 से लेकर 2011 तक वहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस रूल करते हैं वहाँ पे मिलिट्री रूल चलता है और 2010 से मिलिट्री रिजीम ये डिसाइड करती है कि लेट्स ट्रांजिशन द कंट्री टुवर्ड्स डेमोक्रेसी तो धीरे धीरे जो गवर्नमेंट थी वो रिटर्न हो रही थी टुवर्ड्स अ सिविलियन रूल ऑल जो अभी भी मिलिट्री थी जो आर्म्ड फोर्सेस थी वो काफ़ी पावरफुल थी एंड टू थाउजेंड में इलेक्शंस होते हैं और एन नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी वो वहाँ पे उन इलेक्शंस को जीत जाते हैं एंड दोज इलेक्शन व कंट्रीज़ फर्स्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन और इस इलेक्शन में बहुत सारी पार्टीज़ ने पार्टिसिपेट किया और गवर्नमेंट बनती है जिससे म्यांमार की जो होप्स थी वो काफ़ी हाई हो जाती हैं दैट येस म्यांमार इज़ गोइंग टू ट्रांजिशन फुली ट्रांजिशन टूवर्ड्स डेमोक्रेसी फॉलोइंग दिस नवंबर 2020 म्यांमार में अगेन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होते हैं एंड अगेन नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी जिसको सूखे रिप्रेजेंट कर रहे थे आ, उनकी पार्टी को मेजोरिटी सीट्स मिलती हैं एंड uh, जैसे ही फर्स्ट सेशन होने वाला था पार्लियामेंट का 2021 में मिलिट्री म्यांमार के अंदर स्टेट ऑफ इमरजेंसी इम्पोज कर देती है ना यहाँ पे समझना होगा कि मिलिट्री ने ऐसा कैसे कर दिया ना म्यांमार की पार्लियामेंट को समझना जरूरी है 2008 में जब मिलिट्री रूल चल रहा था म्यांमार में मिलिट्री खुद एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करती है और मिलिट्री को 25 परसेंट होल्ड देती है ऑफ द टोटल सीट्स तो म्यांमार पार्लियामेंट के अंदर भी 25 परसेंट सीट किसकी वहाँ के आर्म्ड फोर्सेस की, की हैं तो मिलिट्री ने कहा कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगानी पड़ेगी क्यों क्योंकि जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए हैं इसमें बहुत बड़ा वोटिंग फ्रॉड हुआ है तो एक पार्लियामेंट्री इलेक्शन जिसके अंदर एल को से मेजोरिटी वोट्स मिलते हैं बट उनका सेशन भी नहीं हो पाता एंड मिलिट्री इम्पोज द स्टेट ऑफ एमरजेंसी फॉलोइंग अ मिलिट्री को इन फेबर 2021 ट्वेंटी ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड म्यांमार में चल रहा है जिसकी वजह से म्यांमार एक काफ़ी बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस इसको लेकर फेस कर रहा है जिसको लेकर कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि म्यांमार के अंदर ये जो पॉलिटिकल और सिक्योरिटी क्राइसिस चल रहा है इट इज़ डीपनिंग एंड इसकी वजह से इकोनॉमिक हेल्थ और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी अराइज़ हो चुके हैं और ये तीनों चीज़ें जब इकॉनमी का भी डाउनफॉल होना शुरू हो हेल्थ बिकॉज पैंडमिक सिचुएशन साथ में चल रही है एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो वहाँ पे हो रहे हैं दीज आर ऑल कॉलिंग फॉर सिविल वॉर सो उन्होंने कहा कि इस वक्त वहाँ पे दो तरह की गवर्नमेंट्स हो गई आर्म्ड फोर्सेज हैं वहाँ पर जो लोग हैं दे अंडर गोइंग दी सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट राइट नाउ हमें म्यन्मार में गुरीला वॉरफेयर भी देखने के लिए मिल रहा है और ये पूरा का पूरा अनरेस्ट इज कॉलिंग फॉर अ सिविल वॉर आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ कज़ाकिस्तान से है सो so कज़ाकिस्तान भी इस वक्त काफ़ी प्रोटेस्ट को फ़ेस कर रहा है स्पेशली क्योंकि न्यू ईयर के टाइम पे अनाउंसमेंट होती है कि एलपीजी के प्राइसेस वहाँ पे इंक्रीज़ हो गए हैं एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो कि वहाँ पे वाइडली यूज़ की जाती है एज़ अ फ्यूल इन द कार्स एंड इसके प्राइस को इंक्रीज़ करने की अनाउंसमेंट होती है जिसके बाद वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये न्यूज़ कज़ाकिस्तान के एक मेजर सिटी से आई है रात लार्जेस्ट सिटी ऑफ कज़ाकिस्तान विच इज़ अलमाती वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्टर्स इस राइजिंग प्राइस को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं नो हमारे लिए कज़ाकिस्तान की लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है एंड क्योंकि अभी हमने पीछे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज डिस्कस किए हैं तो इसी के साथ साथ लेट्स कवर दी कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ नाउ पहले भी हमने कहा कि एशिया जो कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है इसे हम बहुत सारे ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया ईस्ट एशिया वेस्ट एशिया सेंट्रल एशिया सो अभी यहाँ पे हम बात करेंगे सेंट्रल एशिया की सो वी हैव फाइव कंट्रीज़ जिनको हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ रेफर करते हैं नंबर वन इज़ कज़ाकिस्तान जिसकी न्यूज़ आई है फॉलोड बाय किर्गिस्तान कजाकिस्तान किर्गिस्तान देन यू हैव ताज़िकिस्तान कजाकिस्तान किर्गिस्तान ताज़िकिस्तान तुर्कमेनिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान फाइव कंट्रीज़ कजाकिस्तान किर्गिस्तान ताज़िकिस्तान तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान मैं चाहती हूँ कि आज हम अपने एशिया का मैप खोलें और वहाँ पे इन पांचों कंट्रीज़ को मार्क करें कजाकिस्तान किर्गिस्तान ताजिकिस्तान तुर्कमेनिस्तान और एंड उजबेकिस्तान दीज आर योर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ खास बात ये है कि ये पांचों के पांचों कंट्रीज़ लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं ना आई नो कुछ लोग कमेंट बॉक्स में लिखने वाले होंगे मैम लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ कैसे हैं लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ पहली बात होते क्या हैं लैंड कंट्रीज़ वो होते हैं जो कि किसी भी ओशन या सी को फ्रीली टच नहीं करते जो कि चारों तरफ से किसी लैंड से बाउंडेड है एंड दे कैन नॉट इजीली फ्रीली मूव टू एनी सी और ओशन लॉक्ड है वो तो इस बात को सुनकर गुस्सा भी आ रहा होगा आपको क्यों क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हैं कि कजाकिस्तान को यहाँ पर एक वाटर बॉडी टच कर रही है विच इज़ कैस्पियन सी बट रिमेम्बर कैस्पियन सी कहीं से भी ओपन नहीं है दिस सी इज कम्प्लीटली इनक्लोज और दूसरी बड़ी बात ये एक सी नहीं है ये एक लेक है ये एक लेक है जो कि चारों तरफ से इनक्लोज है तो अगर आप कजाकिस्तान से कैस्पियन सी में चले भी गए आगे आप किसी ओशन में या किसी और सी में पहुंच नहीं पाएंगे यू आर स्टिल लॉकड राइट तो कैस्पियन सी के लिए याद रखेंगे कि ये इनक्लोज लेक है साथ ही में इसको सी क्यों बोला जा रहा है वेन well, ये एक मिस नॉमर है कैस्पियन सी इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक दुनिया की सबसे बड़ी लेक कौन सी है कैस्पियन सी ठीक है जी यहाँ पे आपको एक और सी मिलेगा अराल सी बहुत कॉमनली ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ है अराल सी की लोकेशन को लेकर याद रखेंगे अराल सी इज सिचुएटेड बिटवीन उज़्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान यूके यूके में है अराल सी यूके मतलब उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान तो बेशक यहाँ पे ये वाटर बॉडीज़ हैं जिनके नाम के आगे सी लगा हुआ है बट दे आर इनक्लोज तो यहाँ से हम किसी भी बड़े सी और ओपन ओशन में पहुँच नहीं पाएंगे क्लियर एवरी तो ये पांचों के पांचों कंट्रीज़ इनमें एक और चीज़ कॉमन है कि ये सारे कंट्रीज़ के अंदर एरिड कंडीशंस हैं एरिड कंडीशंस मतलब डेजर्ट कंडीशन यहाँ पे ड्राई प्रेसिपटेशन बहुत कम है रेनफॉल बहुत कम है तो इन पांचों ही कंट्रीज के अंदर एरिड कंडीशन भी हैं ये इनके बीच में सिमिलैरिटी है ये क्राइटेरिया नहीं है दिस इज ओनली दी सिमिलैरिटी ओके तो पांच सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन से हो गए कजाकिस्तान किर्गिस्तान ताजिकिस्तान तुर्कमेनिस्तान एंड उजबेकिस्तान आगे बढ़ते हैं हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि कल सुप्रीम कोर्ट में इकनॉमिकल वीकर सेक्शन कोटा को लेकर ई कोटा को लेकर हियरिंग होने वाली थी तो उस हेरिंग से की नोट ये निकला है दैट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बैग्ड इट्स कमिटीज़ रिपोर्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिव्यू कमेटी थी जिसने रिव्यू किया था कि क्या ई कोटा के लिए जो क्राइटीरिया सेट किए गए हैं जिसमें जो क्राइटीरिया अंडर क्वेश्चन था वो इसकी लिमिट थी एनुअल फैमिली इनकम At 8 ,000 ,000. कि वो families, वो एट एट लाख रुपीज़ की वो फैमिलीज़ वो लोग जिनकी एनअल फैमिली इनकम एट लाख से कम है दे आर कैटेगराइज अंडर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और सुप्रीम कोर्ट ने ये क्वेश्चन किया था कि क्या ये एट लाख लिमिट सफिशेंट है क्या ये इंक्लूसिव है कहीं ये ओवर लिमिट तो नहीं है तो इसको लेकर कमेटी ने गवर्नमेंट की कमेटी ने ये रिपोर्ट दी कि नहीं जो एट लाख लिमिट रखी गई है दिस इज़ एब्सोल्यूटली फाइन और ये क्राइटेरिया पूरा अच्छे से वर्क कर रहा है एंड दिस इज़ द बेस्ट वे टू मूव फॉरवर्ड एंड इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने अर्ज किया कि जो डिसीजन है वो जल्दी लेना चाहिए क्योंकि नीट और मेडिकल एडमिशन्स की जो काउंसलिंग है वो स्टक हैं बिकॉज ऑफ दिस केस एंड गवर्नमेंट इज़ फर्म ऑन इट स्टैंड कि जो एट लैक एनअल फैमिली इनकम का क्राइटेरिया है ये बिल्कुल सही है सो दैट इज़ इट फॉर टुडे इस वीडियो इस वीडियो लेक्चर में हमने आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है जो कि हमारे यू पी एस एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है आई होप यू गाइज इन्जॉयड दिस लेक्चर सो दैट इज़ ऑल फॉर माई साइड थैंक यू वेरी मच थैंक्स फॉर वॉचिंग द्रोणाचार्य आई एस यूट्यूब चैनल थैंक यू